अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर एहतशाम जान भट्ट और मैं पिछले 14-15 साल से CSS के सब्जेक्ट टीचिंग के साथ वाबस्ता हूँ। यकम रमज़ान से मेरा सेशन ऐसे आइडियाज एंड आर्गुमेंट्स का स्टार्ट होने वाला है। इस सिलसिले में स्टूडेंट्स को एक बेसिक इंफॉर्मेशन देना मैं ज़रूरी समझता हूँ। इट वॉज वे बैक इन 2016 जब मैंने पहली दफा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की फील्ड में ये आइडिया मुतारिफ करवाया। मैं उस वक्त भी 8-10 साल से इस चीज को महसूस कर रहा था कि जब स्टूडेंट्स इंग्लिश ऐसे पे तैयारी कर रहे होते हैं तो वो ज्यादा फोकस होता है ग्रामर पे, पंक्चुएशंस पे, पैराग्राफिंग पे, आउटलाइन स्ट्रक्चर पे, एक्सप्रेशन पे, इन एस्पेक्ट्स पे स्टूडेंट बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे होते, जबकि इन चीजों के साथ पैरेलल जिस चीज की इम्पोर्टेंस है वो है आपका कंटेंट। आप किसी भी स्टेटमेंट को जब रीड करते हैं तो आप उससे जो कॉनोटेटिव मीनिंग डेवलप करते हैं, आपका जो आइडिया डेवलप होता है उसको एक्सपेंड कैसे करना है, यू नीड नॉलेज, यू नीड लॉजिकल आर्गुमेंट्स। तो मैंने 2016 में ये पहली दफा आइडिया स्टार्ट किया और माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पांस उसका आया, क्योंकि इंग्लिश एसे का कोई वेल डिफाइंड सिलेबस नहीं है। स्टूडेंट को एक अच्छा रीडर होना चाहिए, उसकी अच्छी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। मैंने इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए पहली दफा 2016 में इन सेशंस को स्टार्ट किया। 2016 में जब मैंने इसको अनाउंस किया तो 17 के जब पेपर हुए तो एक ऐसा टॉपिक जो मेरी तैयार करदा एसेज में से वहां पे आ गया। 2018 में भी एक आ गया, 2019 में दो आ गए, 2020 का जो पेपर था उसमें अगेन एक आ गया, 2021 में तीन आ गए और 2023 में अगेन एक आ गया। लेकिन अब की बार मैं इसको फर्दर और एक्सपेंड करना चाहता हूं। मैं ये महसूस कर रहा हूं कि मैंने स्टूडेंट को एक टॉपिक ग्लोबलाइजेशन का लेट अस सपोज तैयार करवा दिया। ग्लोबलाइजेशन की फेवर में भी आर्गुमेंट्स दिए, उसको अगेंस्ट भी दिए हैं, ग्लोबलाइजेशन की डिफरेंट थ्योरीज भी उसको तैयार करवा दी, वेव्स भी तैयार करा दी, उसको हिस्टोरिसाइज भी करवा दिया, उसका कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट भी डेवलप करवा दिया, सारे एस्पेक्ट्स मैंने एक डिटेल्ड कंटेंट स्टूडेंट को तैयार करवा दिया और मैं ऐसा ही करता आ रहा था। लेकिन इस दफा मैंने महसूस किया कि सिर्फ ये वाला एरिया जिसके लिए एक अच्छे इंग्लिश के टीचर की जरूरत है स्टूडेंट को, कंटेंट जिसके लिए स्टूडेंट को अच्छा रीडर होना चाहिए, इसके अलावा भी एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये कि हाउ टू राइट योर आर्गुमेंट्स, हाउ टू ड्रॉ एन आउटलाइन, कि अगर ग्लोबलाइजेशन पे आपको डिस्क्रिप्टिव नेचर का ऐसे आ जाता है, अगर इस पे आपको आर्गुमेंटेटिव परसुएसिव कॉन्टेक्स्ट में कोई स्टेटमेंट पूछ लेता है तो आप कैसे लिखेंगे। इसलिए इस दफा मैं अपने स्टूडेंट्स को 15 डिस्क्रिप्टिव एसेज तैयार करवाऊंगा डिटेल्ड कंटेंट के साथ, 15 आर्गुमेंटेटिव परसुएसिव और इनका डिफरेंस भी स्लाइड सा है, ज्यादा नहीं, वो भी तैयार करवाऊंगा। फिर उसके बाद हमारा स्टूडेंट करता ही है कि अगर उसे पेपर में कोई प्रोवर्ब आ गया है तो उस प्रोवर्ब से जो फौरन इमीडिएट आइडिया स्ट्राइक करता है उस पर लिखना शुरू कर देता है और 1000 वर्ड लिख लेगा मैक्सिमम,
उसके बाद बिल्कुल ब्लैंक हो जाता। तो अगर कोई प्रोवर्बियल लिटरेरी ऐसे आता है तो उसको कैसे करना, उसको एक्सपेंड करके उसको आपने कंटेम्पररी कॉन्टेक्स्ट में भी चीजें उसमें लेके आनी। और फिर फिलोसॉफिकल एसेस लाइक प्लेयर ऑफ रीडिंग को मॉडर्निटी पे आ जाए, कोई जैसे कैन मीनिंग बी फिक्स्ड। सो मैं अपने स्टूडेंट्स को इस दफा 50 एसेस का कंटेंट डेवलप करवा के दूंगा और साथ उनकी प्रैक्टिस भी हो रही होगी, सो दैट जब मेरा स्टूडेंट किसी भी कंपिटेटिव एग्जामिनेशन में जाए और उसके सामने 8 से 10 एसेज आए तो वो फौरन ये गेज कर सके कि ये स्टेटमेंट मेरे से डिस्क्रिप्टिव कॉन्टेक्स्ट में मैंने अपने से को चलाना है, मैंने आर्गुमेंटेटिव परसुएसिव चलाना, मैंने कैसे चलाना है, वो उसको पहले ही क्लियर हो जाए। और फिर उसके पास कंटेंट तो है, आर्गुमेंट्स तो हैं। ये पोर्शन इंग्लिश का पोर्शन है, इसके लिए आपको एक इंग्लिश के अच्छा टीचर जो आपकी अच्छी रहनुमाई कर सके। मेरा काम कंटेंट डेवलप करवाना है कि आपका कलम वहां पे ना रुके, जब आप ऐसे लिख रहे हो तो आपके पास इतने आर्गुमेंट्स हो उस डोमेन में कि आप वहां सोचते ना रहे कि मैंने लिखना क्या है। मैं इस दफा 50 एसेज करा रहा हूं जी। पास्ट में मैं मैक्सिमम 16-20 तक एसेज करवाता था, इस दफा मैं 50 एसेज करवा रहा हूं। उसकी रीजन ये क्योंकि सिर्फ सीएसएस के पेपर्स तो नहीं एक साल में होते, स्टूडेंट्स पीएमएस में भी देते हैं। 2022-23 के को हम देखें तो पीएमएस के पेपर्स में मेरा ऐसे करप्शन से रिलेटेड पावर करप्ट्स एब्सोल्यूट, पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली वो आया वहां पे। और मैंने इसी तरह स्टेटमेंट करवाई थी अपने स्टूडेंट्स को, इसी तरह मुख्तलिफ डिस्क्रिप्टिव पेपर्स में लीडरशिप पे ऐसे आ गया। तो काफी 2022 में होने वाले काफी डिस्क्रिप्टिव पेपर्स में भी ऐसे आए। तो अब ये पेपर्स भी काफी ट्रिकी और काफी टफ स्टेटमेंट्स के साथ आ रहे हैं इंग्लिश ऐसे की। तो सोल पर्पस जो इन 50 एसेज का है वो है कि मैं अपने स्टूडेंट्स का कंटेंट इतना बना दूं कि उनको ऐसे लिखते हुए सोचना ना पड़े कि भाई मैं आर्गुमेंट्स कहाँ से लाऊं, कहाँ से डेवलप करूं। सो बुनियादी पर्पस ये है इस सेशन का। इस सेशन में ये फर्स्ट रमजान आफ्टर सहरी ये सेशन स्टार्ट हो, 25 क्लासेस जो रमजान की होंगी वो इसी टाइम पीरियड में होंगी जी, आफ्टर सहरी। ये 1.5 hours to 2 hours की डेली क्लास होगी डेली। आफ्टर रमजान ये टाइम रात में चला जाएगा, ये रात 11 बजे से लेके 12:30 तक नाइट के टाइम में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे ये क्लास चल जाएगी। और स्टूडेंट्स जो फर्स्ट रमजान से इसको ज्वाइन करें, सपोज उनका अगर कोई टॉपिक मिस हो जाता है तो जो इस सेशन को ज्वाइन करेंगे वो फिर रिपीट की भी फ्री प्रोविजन उनके पास मौजूद होगी कि जो उनका टॉपिक मिस हुआ है वो अपना टॉपिक उसको कंप्लीट भी कर सकेंगे। इन एडिशन टू दिस, इस सारे काम को जब मैं लेके चलता रहूंगा तो मैं अपने स्टूडेंट्स को फिर कि उनको अपनी आउटलाइन में कैसे अपने आर्गुमेंट्स को सब्सटेंशिएट करवाना है, सो दैट उसकी आउटलाइन एक इंटरेस्टिंग आउटलाइन हो और वो एग्जामिनर उसके साथ जुड़ जाए। गो के आउटलाइन के कुछ ज्यादा मार्क्स तो नहीं होते लेकिन आउटलाइन आपका फर्स्ट इंप्रेशन, और वो फर्स्ट इंप्रेशन भी बेहतर और अच्छा होना चाहिए। सो कंटेंट पे फोकस होगा, आर्गुमेंट्स पे फोकस होगा, इतना ज्यादा होगा कि स्टूडेंट का कलम ना रुके और मेरे स्टूडेंट को जब भी उसके सामने को पेपर आए तो वो उसको फौरी तौर पर ये गेज कर ले कि मैं इस, ये एक सवाल ही है ना ऐसे एक किस्म का, तो मैंने इस सवाल को आर्गुमेंटेटिव स्टाइल में चलाना है
या जिस भी स्टाइल, जो स्टूडेंट्स मुझे जानते हैं, जो मेरे से पढ़े हुए हैं एक सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट या पिछले सालों में, उन्हें तो पता है कि ये इजी पैसा जैज कैश का ये नंबर है मेरा, इस पे आप फी डिपॉजिट करवाएं या आप मेरे मिजान बैंक के अकाउंट में फीस डिपॉजिट करवाएंगे और रिसीट आप फिर इसकी कोऑर्डिनेटर को इस नंबर पर अपने नाम के साथ व्हाट्सएप करें तो कोऑर्डिनेटर आपको ग्रुप में ऐड कर ले। यकम रमजान से ये सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। इसकी फी सिर्फ 9900 है जी, फॉर 50 कंप्लीट एसेज, 50 टॉपिक्स पे आपको जो डिटेल्ड कंटेंट मिलेगा। जाहिर है साल में आपने सीएसएस के पेपर भी देने हैं, पीएमएस के भी देने हैं, डिफरेंट 100 मार्क्स के जो ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं, उसके बाद उनका डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होता है, उसमें भी इंग्लिश ऐसे मौजूद होता है। सो ये 50 टॉपिक्स इंशाल्लाह कहीं किसी भी पेपर में एक भी टॉपिक आप दे रहे हैं और उसमें एक भी टॉपिक इनमें से आ जाता है तो मेरे ख्याल में फिर ये वैल्यू ऑफ मनी आपकी पूरी हो जाती। आई एम होपफुल कि जो स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन करेंगे उनको इसका फायदा होगा और मैक्सिमम इससे वो लर्निंग हासिल करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी।